नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। ताज़ा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस जेई क्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। ये सीरीज़ जितने भी सिविल इंजीनियर के जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाएंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चन को करने की कौन सी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक्स का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनालिटिकल टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वे से टैकोमेट्री से रिलेटेड है। तो हमारा जो टैकोमेट्री में फॉर्मूला होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए D=KS+C। ओके, यहाँ K को क्या बोलते हैं, K होता है हमारा मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट और C क्या होता है हमारा एडिटिव कॉन्स्टेंट। तो K की वैल्यू होती है हमारी 100 और C की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0। ओके, कौन से लेंस के लिए, एनालिटिकल लेंस के लिए। ओके, अब बात आ हो गई ये इसकी। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको K और C की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब कि वो लेंस कैसा है, एनालिटिकल है। यानी कि डी का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100S। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, K=2 होता है F/I और C=2 होता है आपका F+D। ओके, तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज टेकन एट टेम्परेचर। तो 5 दिन की जो हम लोग BOD कैलकुलेट करते हैं वो कितने टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं, तो वो टेम्परेचर होता है हमारा 20°C। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। तो अब बात आ गई है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो जो 5 days की BOD होती है, कितने डेज की, 5 days की BOD होती है, और जो अल्टीमेट BOD होती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो 5 days की BOD होती है वो अल्टीमेट BOD का कितना होती है, 2/3। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉलम से फ्रेम होते हैं RCC के। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम व्हेन दे आर ओवरलैप्ड कैन बी टेकन एज पर IS 456-2000। ओके, तो केस कौन सा है, मैं आपको कॉलम के बारे में बता दूँ। ओवरलैप के केस में क्या होता है, कॉलम में मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, 0.8%। ओके, मैक्सिमम कितना होता है, 4% एंड 6%। इन दोनों के केस हैं, 4% तब लिया जाता है जब बार ओवरलैप हो रही होती है, ठीक है, और जब बार ओवरलैप नहीं हो रही होती है तो 6%। यहाँ पे केस क्या दे रखा है, व्हेन द बार आर ओवरलैप्ड, यानी कि बार ओवरलैप्ड हो रही हैं, इसका मतलब 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस FCK। ओके, 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा आपको, सुनने को 5। ओके, प्लस FCK कितना है, 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 38.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लोकल शेयर फेलियर इज एसोसिएटेड विद सॉइल हैविंग। तो जो लोकल शेयर फेलियर होता है वो किस टाइप की सॉइल के लिए होता है, तो लोकल शेयर फेलियर होता है हमारी सॉइल में होता है हाई सेटलमेंट। सेटलमेंट कितना होता है, ज़्यादा होता है। सेटलमेंट ज़्यादा यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा, यानी कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, द शीट पाइल्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ शिप इज कॉल्ड एज। तो जो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फेंडर पाइल्स। ओके,
तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन आपके लिए ये है, इफ एवरी वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव अ प्रॉपर एरर ऑफ प्लस माइनस वन सेकेंड, व्हाट इज द विल बी प्रोबेबल एरर इन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई है जेई लेवल से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आपकी रैंक बनाते हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला बेस्ड है, वो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।